हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित और आज के इस यूजफुल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में जो आपको आगे चलकर अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो आपको नेम फेम मनी सब कुछ दिलाने का साधन बन सकती हैं, एक जरिया बन सकती हैं। तो सबसे पहली चीज है कि मैं आपको ये बता दूं कि दो एप्लीकेशन जो मैं बताऊंगा ये कोई नई एप्लीकेशन नहीं है, पहले से चल रही हैं ये एप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पर इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर हम इस बात पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि जो लोग आपने देखे होंगे कि जब हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं या किसी वेबसाइट का उपयोग करना शुरू करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। एक तो वो लोग जो चीज़ें जब फेमस हो जाती हैं और हम देखते हैं कि अरे ये चीज़ यहाँ पर दुनिया में फेमस हो रही है, लोग यहाँ पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम भी वहाँ पर काम करने पहुँच जाते हैं, उससे पहले काफ़ी लोग वहाँ पर जुड़ चुके होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों से कमाना चाहते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका विजन होता है और वो समझ सकते हैं। तो जितनी जल्दी वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसी चीज़ों से जुड़ जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनको आगे चल के जब ये चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, कोई वेबसाइट हो, कुछ भी हो, तो आपको उस कॉन्सेप्ट का फायदा मिलता है। तो यहाँ पर आज के टाइम में अगर आप ऑनलाइन सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ सकें कि आगे चल के ये चीज़ संभावना है कि बड़ी हो सकती है और आज मैं इससे जुड़ जाऊँ तो अगर मेरा चांस होगा तो मैं ज़रूर उस टाइम पर जब ये ग्रो कर जाएगी, जब लाखों लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मैं यहां एक बड़ा नाम बन सकता हूं या बन सकती हूं। तो ये कॉन्सेप्ट कई लोगों को समझना चाहिए जो लोग शायद नए आ रहे हैं इस लाइन में और काम कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो ये चीज बता दूं, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रही है वो एक वेबसाइट है, बाइट डांस। तो बाइट डांस ये जो वेबसाइट है इसके बारे में शायद आप लोगों में से काफी जानते हो, ये कंपनी है, ये कंपनी की वेबसाइट है। अगर आप में से काफी लोग नहीं जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो, तो आपको बता दूं ये वही कंपनी है जिसने एक सबसे सक्सेसफुल एप्लीकेशन को बनाया है जिसका नाम है टिकटॉक। ओके, ये जो कंपनी है इसने टिकटॉक को बनाया है, टिकटॉक का ऐप जो है वो इन्हीं का है। और आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि टिकटॉक कितना सक्सेसफुल है इसको बताने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही कम समय में टिकटॉक ने जो नाम बनाया है और आज जिन लोगों ने शुरुआत की थी टिकटॉक पर, वो जब शुरुआत की थी तब सभी लोग शायद इतना समझते नहीं थे कि ये इतना ग्रो कर जाएगा, एक हंसी मजाक के लिए या जनरल चीज़ों के लिए लोग इसको अलग तरीके से देखते थे, लेकिन आज यहाँ पर टिकटॉक से लोग क्रिएटर्स बन गए हैं और अपना नाम भी बना लिया है और अर्निंग भी कर रहे हैं। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग नहीं जानते, मुझे लगता है आजकल ये सभी जानते हैं। टिकटॉक ने एड्स भी शुरू कर दिए हैं अपने, तो अब आपको क्रिएटर्स को जल्द ही अर्निंग्स भी के भी कई रास्ते खुलेंगे, स्पॉन्सरशिप हैं। तो मैं यहाँ पर बात टिकटॉक की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उन दो एप्लीकेशन की बात करूंगा जो टिकटॉक बनाने वाली कंपनी जो है बाइट डांस, जो अभी मैंने आपको दिखाया, उसकी तरफ से लॉन्च किए जा चुके हैं काफ़ी पहले ही और उस पर काम काफ़ी लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो कैसे उन एप्लीकेशन को आप फोकस करें आज के टाइम में और उस पर ध्यान दें तो आप आगे चल के अपना एक अच्छा चांस ले सकते हैं, जिस तरह से टिकटॉक पर जब शुरुआत की थी लोगों ने और बाद में वो सक्सेसफुल हो गए, उसी तरह से आप दो एप्लीकेशन पर फोकस कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस हैं, एक एप्लीकेशन जिसका नाम है हेलो ऐप। ओके, हेलो ऐप के बारे में आप लोगों में से सभी लोग मुझे लगता है जानते होंगे। जनरली जो लोग टिकटॉक यूज करते हैं हेलो जैसी एप्लीकेशन को भी जरूर यूज करते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा। तो एक तो हेलो ऐप की बात कर रहे हैं, दूसरा आपके जो ऐप है वो है वीगो वीडियो ऐप। ओके, अब मैं आपको बता दूं, ये अगर आप नहीं जानते हैं, ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है वो टिकटॉक बनाने वाली जो कंपनी है बाइट डांस उसी के एप्लीकेशन हैं। तो काफी लोग हो सकता है इस बात को नहीं जानते हो, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं और आपको मैं कुछ यहां पर फैक्ट बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकें। हेलो ऐप एक ऐसा ऐप है जिस पर अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कंपनी काम कर रही है। आपने देखा है कि इतनी सारी रीजनल लैंग्वेज में हमारे देश में इनका फोकस बहुत ज़्यादा है क्योंकि टिकटॉक के सबसे ज़्यादा यूजर इंडिया में हैं। ओके, तो इंडिया को लेकर इनको पता है कि हम इंडिया में के जरिए अपने आप को बहुत जल्दी बड़ा बना सकते हैं, इसलिए इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में, मराठी, गुजराती, सभी लैंग्वेजेस में
इस ऐप में सपोर्ट दिया है और यही वजह है कि ये बहुत तेजी से हेलो ऐप ग्रो कर रही है। अगर आपको मैं बात करूं तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है, इन्होंने कई स्टार्स को यहां पर जोड़ा है, आपने इस कई बड़े बड़े शोज में इनको देखा है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इसको दिखाई देते हैं, आपको प्रमोट करते हैं, फिल्म स्टार्स हैं, तो बड़े लेवल पर इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये काफी बड़ा बन चुका है लेकिन फिर भी अभी यहां पर और भी ज्यादा सक्सेसफुल इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाया जा रहा है, जिस तरह से टिकटॉक सक्सेसफुल हुआ है। यहां पर ये फोकस कर रहे हैं इंडियन मार्केट को खासकर, क्योंकि इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि इससे ही ये काफी लोग अर्न कर सकते हैं और कमाई रहे हैं वैसे भी। तो यहां पर जो लोग अगर अभी जुड़ चुके हैं, काम कर रहे हैं, काफी पहले से मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, और तो वो लोग यहां पर टिके रहें, मेरा ये सजेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल बन सकता है इस ऐप का। डेफिनेटली काफी लोग जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं इस पर बिलीव करते हैं और जो ByteDance कंपनी है टिकटॉक बनाने वाली, वो पूरी कोशिश कर रही है और आगे आने वाले समय में, अभी यहां पर आपको जो अर्निंग के ऑप्शन मिल रहे हैं, अभी भी आप जानते हैं कि हेलो ऐप से आप दुनिया भर के तरीकों से कमा सकते हैं। आप जब अगर आप रजिस्टर नहीं किया है तो हेलो ऐप पर जाकर आप रजिस्टर कर लें, वहां पर बहुत सारे तरीके हैं अर्निंग करने के। ये भी एक वीडियो शेयरिंग और काफी सारा है यहां पर, केवल आप वीडियो नहीं बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं यहां पर हेलो ऐप के बारे में तो नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज है और आप लोग खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहां भी वही सब है और हर चीज पर आपको अर्निंग का ऑप्शन मिल ही रहा है, रेफर करने पर भी है, वैसे वीडियोस अपलोड करने पर है, स्टोरीज डालने पर, सभी चीजों पर आपको अर्निंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और वीगो वीडियो जो है वो अभी उतना मतलब फोकस नहीं किया है इन्होंने, डेफिनेटली ये इनका ही है ByteDance का और टिकटॉक बनाने वाली जो कंपनी है, इसमें भी सेम है, देखिए रियल पीपल रियल स्टोरी शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी, तो इनका पूरा फोकस है कि हम इन दोनों ऐप्स को भी आगे चल के बड़ा बनाएं। हेलो पर अभी जो कंपनी है वो ज्यादा फोकस कर रही है, वीगो पर शायद ये अभी उतना फोकस नहीं है इनका, जो अभी एक्सपर्ट्स की यहां पर राय है। धीरे धीरे इसको भी ये आगे ग्रो करेंगे, इस पर भी नजर बनाए रखना है सभी लोगों को और इस पर भी आप अपने कंटेंट को अपलोड करें, यहां पर भी अभी से ट्राई करते रहें। देखिए आपका कंटेंट जो है वो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सकते हैं, आपके पास जो भी आप वीडियो ऑडियो बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना यहां पर भी अभी से थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप डालते रहें, अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लें और यहां भी अपने आप में कुछ इतना एक अकाउंट बनाकर रखें और अपनी प्रोफाइल बना लें यहां पर और काम करते रहें थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिलता है। हेलो पर जरूर फोकस करें और वीगो पर भी ध्यान देते रहें, तो ये दोनों ऐप पर आप फोकस करें क्योंकि दुनिया की एक ऐसी कंपनी की तरफ से ये ऐप लॉन्च किए गए हैं और उन पर फोकस कर रही है टिकटॉक बनाने वाली कंपनी ByteDance, कि इनको भी ग्रो किया जाए, आगे चल के इन पर फायदा मिलेगा, जैसे टिकटॉक पर जो लोग शुरू में आए थे और आज वो स्टार्स बन गए हैं, अर्निंग कर रहे हैं, हजारों लाखों कमा रहे हैं। सो दिस इज द फैक्ट, ये कोई ऐसा नहीं है जो आप बिलीव ना कर सकें, आपके सामने टिकटॉक की सारी कहानियां मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर और दुनिया भर की जगहों पर। तो आप इस बात पर बिलीव करें क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमें रखनी है कि कौन सी चीजें ग्रो कर सकती हैं, ना करें कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक चांस लेकर चलना है और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये कम्युनिटी ग्रो करेगी। हेलो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आगे चल के वीगो वीडियो, ये दोनों ही ऐप इस बड़ी कंपनी के हैं, आपको एक सपोर्ट कर सकते हैं, आगे चल के चांसेस रहेंगे आपके। ओके, तो ये मेरी एक कहना चाहिए केस स्टडी थी इस चीज के बारे में कि आप इस चीज पर फोकस करें। आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे कि हम तो पहले से काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप इस पर टिके रहें, अच्छा कंटेंट बनाए, जो लोग नए हैं अपने कुछ समय देकर यहां पर अपने कंटेंट को रीयूज करें, समय को बचत करें, आप एक ही कंटेंट को चेंज करके यहां पर यूज कर सकते हैं और यहां पर अपना एक अच्छा प्रोफाइल बना सकते हैं। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है वो इस चीज के बारे में है कि फ्यूचर में हमें पहचानना है चीजों को, जैसे मैंने पॉडकास्टिंग के बारे में बताया था, जो लोगों ने नहीं देखा है कि पॉडकास्टिंग कैसे की जाती है और आगे चल के वो भी इंडिया में बड़ा होने वाला है, तो उसके बारे में भी वीडियो है, वो भी देखिएगा। तो हमें ऐसी पोटेंशियल मार्केट्स को समझना है और काम करने के लिए फोकस करना है, राइट? तो आई होप इट विल हेल्प यू, ये मेरी सजेशन और केस स्टडी आप पे हेल्प करेगी। आप इसको जरूर लाइक शेयर करें ताकि जो लोग काम करना चाह रहे हैं करें यहां पर और आगे बढ़ते रहें। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और सपोर्टिव वीडियो आपके लिए शेयर करूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन, घंटी का बटन ऑल नोटिफिकेशन के साथ आप सेलेक्ट करें, जुड़े रहें। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।